नमस्कार, दैनिक भास्कर के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रज्ञा। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी 21 अगस्त शनिवार का दिन है। देश और दुनिया की खबरों में सबसे पहले बात करते हैं उन खबरों की जो रही सुर्खियों में। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन जायकोव डी को DGCI ने इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दे दिया है। ये दुनिया की पहली DNA बेस्ड वैक्सीन है। इसे 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों और बड़ों को लगाया जा सकेगा। ये देश में उपलब्ध होने वाली चौथी और मंजूरी पाने वाली 6वीं वैक्सीन है। इस वैक्सीन के 3 डोज लगाए जाएंगे। अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबान और स्थानीय लड़ाकों के बीच घमासान लड़ाई जारी है। पंजशीर अकेला ऐसा इलाका है जो तालिबान के कब्जे से बाहर है। यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर बगलान प्रांत के पुल ए हिसार जिले को लड़ाकों ने तालिबान से छुड़ा लिया है। दो जिलों में भीषण लड़ाई की खबरें हैं। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह इसी इलाके में मौजूद हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 18 विपक्षी दलों के नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इसमें 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारी और बीजेपी के खिलाफ एकजुटता पर बात हुई। सोनिया ने विपक्षी नेताओं से कहा कि आखिर में हमारा लक्ष्य 2024 का लोकसभा चुनाव ही है। हमें ऐसी सरकार के लिए योजना बनाकर काम करना होगा जो आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों में विश्वास करती हो। जर्मन मीडिया हाउस डाइचे वेले के एक पत्रकार की खोज के दौरान तालिबानियों ने उसके एक रिश्तेदार की हत्या कर दी। डाइचे वेले ने संयुक्त राष्ट्र को भेजी खुफिया रिपोर्ट में कहा है कि तालिबान विरोधियों के साथ नर्म व्यवहार और उन्हें बख्शने की बात कर रहा है, लेकिन असलियत में हर उस आदमी की तलाश में घर घर छापे मारे जा रहे हैं जिन पर अमेरिका की मदद करने का शक है। अगले साल जनवरी से पेमेंट के लिए हर बार कार्ड के 16 डिजिट वाले नंबर्स डालना जरूरी होगा। इससे पेमेंट गेटवे कंपनियां कार्ड की डिटेल सेव नहीं कर सकेंगी। पेमेंट गेटवे कंपनियां रिजर्व बैंक से नियमों में छूट चाहती हैं, लेकिन RBI इसके विरोध में है। इसीलिए जनवरी से एक ही क्लिक पर पेमेंट ऑपरेटर्स को चेकआउट सेवाएं देने, उनकी कार्ड डिटेल्स की स्टोरिंग करने पर रोक लग सकती है। ये तो थी प्रमुख खबरें। अब फटाफट कुछ हेडलाइंस भी सुन लीजिए। सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा के लिए घोड़े को भाजपा के झंडे के रंग में रंगा गया। बीजेपी सांसद मेनका गांधी की संस्था ने की शिकायत। पीएम मोदी के लिए खास राखियां। वृंदावन के आश्रम में रहने वाली 50 महिलाओं ने 5 दिन में तैयार किए 501 रक्षा सूत्र, पीएमओ भेजेंगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज किन इवेंट्स पर रहेगी हमारी नजर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन लखनऊ में उभरते सितारे फंड लॉन्च करेंगी। ये फंड उन छोटी और मझोली कंपनियों को दिया जाएगा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम करती हैं। एक एस्टेरॉइड 2016 AJ-193 पृथ्वी के पास से गुजरेगा। इसके धरती से टकराने की आशंका नहीं है। 5.91 साल में सूर्य का एक चक्कर पूरा करने वाला ये उसकी तरफ बढ़ रहा है। देश भर के कुछ प्रमुख शहरों में आज कैसा रहेगा मौसम बताते हैं। जयपुर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहेगा, यहाँ बादल छाए रहेंगे। भोपाल में अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहेगा, यहाँ भी बादल छाए रहेंगे और शाम को बौछारें पड़ सकती हैं। रायपुर में अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहेगा, यहाँ हल्के बादल छाए रहेंगे। रांची में अधिकतम तापमान 29 डिग्री रहेगा, यहाँ बादल रहेंगे और बारिश होने की संभावना है। पटना और लखनऊ में तापमान 35 से 33 डिग्री के बीच रहेगा, यहाँ हल्के बादल छाए रहेंगे और हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। शिमला में अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहेगा और यहाँ गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। चंडीगढ़ और दिल्ली में तापमान 30 से 31 डिग्री के बीच रहेगा, यहाँ पूरे दिन बादल छाए रहेंगे, साथ ही साथ हल्की बारिश हो सकती है। अहमदाबाद और मुंबई में तापमान 30 से 28 डिग्री के बीच रहेगा, यहाँ बादलों के साथ फुहार पड़ सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या हुआ। अपनी मुस्कान, बनावट, कलर और खूबसूरती के लिए फेमस मोनालिसा की पेंटिंग आज ही के दिन 1911 में म्यूजियम से चोरी हो गई थी। इस घटना से ये पेंटिंग और ज्यादा मशहूर हो गई। इसकी तस्वीरें दुनिया के लगभग हर अखबार में छपी। चोरी का ये मामला इतना हाई प्रोफाइल बन गया कि जहां पेंटिंग लगी थी उस खाली जगह को देखने के लिए हजारों लोग आने लगे। पेंटिंग चोरी होने के एक दिन बाद तक किसी को पता नहीं था कि मोनालिसा की पेंटिंग गायब है। म्यूजियम में आर्ट वर्क के लिए पेंटिंग्स को एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता था। सिक्योरिटी गार्ड ने सोचा कि मोनालिसा की पेंटिंग को भी कहीं ले जाया गया होगा।
अब वक्त है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाते जाते आपके लिए आज का विचार। एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स ने कहा है, नई सोच ही लीडर और फॉलोअर के बीच फर्क लाती है, इसीलिए नया सोचें और उस पर अमल करें। आज के पॉडकास्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें।